अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज 24x7। आइए देखते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरें। जदयू ने जैसे ही ऐलान किया कि झारखंड में वह एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर राजद के जहानाबाद के विधायक सुदय यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि जल्द ही बिहार में बीजेपी कहेगी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में ही नहीं, बिहार में भी कहने वाली है भाजपा कि हम अलग लड़ेंगे। इसीलिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को घबराहट है, और जो पोस्टर देख रहे हैं ना, है ये सब उसी का साइन है। लगातार जो इनका जो भाजपा से दूरी बन रहा है, चाहे वो 370 धारा के सवाल पे या फिर डिफरेंट और जितने भी बातें आ रही है उसको लेकर के, तो कुछ दिन में ही बिहार में भी भाजपा ऐलान करने वाली है कि हम यहाँ भी अकेले लड़ेंगे। बिहार में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री स्थापित होने का रास्ता साफ दिख रहा है। इसकी घोषणा फिल्म अभिनेता बीजेपी के सांसद रवि किशन ने मोतिहारी में आकर किया है। कहा है कि इंडस्ट्री बनाने के बाद बिहार के लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ पर्यटक स्थल को विकास होगा और आय भी बढ़ेगा। आनंद आता है जब हम कोई गाँव कहता है कि हमारे हो गई लो काम, जो बोले रहे हमारे सड़किया बन गई, हमारी हो गई, हमारे घरे बिजली आए, हमारा ट्रांसफॉर्मर जलल रहे बनवा देला, वो फलाना गलत जेल में बंद रहे छुड़वा देला, उसमें हमको इतना आनंद आ रहा है कि हम आपको क्या बताएं। सबको लगा था हीरो हैं, जा रहे हीरो हैं, जीतियान निकल जाइ ने उड़ जाइन, हम गोरखपुर में बस गए और दिन रात दौरा कर रहे हैं। सब लोग पगला गए हैं कि हीरो को पर्दा पे देखते थे, ये गांव गांव दौड़ रहा है। कहें कि जब 7,40,000 वोट गिरा तो हमको यकीन नहीं हुआ कि ये पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद रहे, योगी महाराज जी का, और गोरखपुर के जनता इतना प्यार दी हमको सिर्फ भोजपुरी सिनेमा की वजह से, यो जान लो। अमेरिकी नागरिक डेविड को 5 वर्ष की सजा, 2,000 का जुर्माना। तलाशी के दौरान उसके पास से भारी मात्रा में कोयरीन, अमेरिका तथा नेपाली करेंसी के साथ दिशा सूचक यंत्र एवं अन्य संदिग्ध सामान बरामद हुआ था। 5 साल का सजा, 2,000 रुपए जुर्माना। मामला है कि यह कोरियन नागरिक, वहाँ तो उसके बाद नागरिकता ले लिया अमेरिका का, और बिना वीजा पासपोर्ट के इंडियन टेरिटरी चलाया था। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में मलेरिया विभाग के मास्टर रोल डीपीटी छिड़काव कर्मी ने अपना सेवा स्थायी करने के मांग को लेकर कल्याणपुर प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र पर आंदोलन आज भी जारी रखा। हड़ताल कर दिया है और जिसकी लिखित सूचना मुझे दे दिया, हम इसे जिला में भेजेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं के विरोध में, साहब जो हम लोग कर्मचारी का जो बहाली किए हैं उसमें रिश्वत लेकर बहाली किए हैं। हम छिड़काव कर्मी वर्षों से इसमें बहाली आ रहे हैं सेवा करते, हम लोग का जीवन इसमें समाप्त होने जा रहा है, फिर भी हम लोगों को छाड़ दिया गया है और जीएसटी लेकर रिश्वत लेकर बहाली किया गया है। यही हम लोग का मांग है, जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा तब तक अनिश्चित हड़ताल हम लोग धरना पर रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे, छिड़काव हम लोग नहीं करेंगे। मोतिहारी के कल्याणपुर में सरकार द्वारा छात्र एवं छात्रों के बीच में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय प्रखंड मुख्यालय के श्री साकिल उच्च प्लस टू विद्यालय में शनिवार को स्थानीय विधायक सचिंदर प्रसाद सिंह व प्रधानाध्यापक मोहम्मद मुस्तफा ने स्मार्ट क्लास का उद्घाटन। बिहार सरकार के सभी हाई स्कूलों में ये नए बिहार कार्यक्रम के अंतर्गत स्मार्ट क्लास शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग अपने विधानसभा कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के बाकरपुर हाई स्कूल में भी इसका शुभारंभ कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि स्मार्ट क्लास के माध्यम से हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में भी स्मार्ट बनेंगे, और शिक्षा से अलग जो अन्य क्षेत्र हैं जिसमें बच्चों की सहभागिता की आवश्यकता है उसमें भी स्मार्ट बनेंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर, स्मार्ट क्लास के शुभारम्भ के अवसर पर, मैं इस विद्यालय के सभी गुरुजन और इस विद्यालय के सभी छात्रों को शुभकामना देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे।
माननीय विधायक श्री संत प्रसाद द्वारा मेरे विद्यालय श्री सैनिक प्रस्तुत विद्यालय में आज दिनांक 7/9/2019 को ये उद्घाटन समारोह किए गए। बहुत ही अच्छा जरिया है, स्मार्टफोन से हम नेट से भी सर्च करके समझ में आए तो हम नेट से सर्च करके अपनी सुधार कर सकते हैं। स्मार्ट क्लास पढ़ने में बहुत ही बड़ा योगदान दे रहा है। मोतिहारी के छौरादानों में जदयू प्रखंड अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए दीपक ठाकुर। पूर्वी चंपारण जिला में बच्चा चोरी के अफवाह में लोगों ने अब तक पीट पीट कर दो की हत्या कर दी है और आज जिला के सिखरना अनुमंडल के ढाका थाना क्षेत्र में नरकटिया गांव में बच्चा चोरी के आरोप में एक अधेड़ महिला को ग्रामीणों ने पकड़कर खंभे में बांध दिया और उसकी पिटाई कर दी। महिला पताही थाना क्षेत्र मखदुमपुर की रहने वाली है। मोतिहारी के घोड़ासान थाना क्षेत्र में कदमा गांव स्थित पोखर में महारविवार की पर्व को देखने गए बच्चे की पैर फिसलने से मौत हो गई है। हुआ गया था एतवार पवनी था, हो गया देखने तो लोग नहा रहा था तो भी नहाने के कारण में डूब गया, गोड़ फिसल कर डूब गया। नालंदा में हिलसा विधानसभा क्षेत्र में परबलपुर प्रखंड में राजद का सदस्यता अभियान पूरी जोरों शोर से चल रही है। पार्टी को मजबूत करने का उद्देश्य आरजेडी के द्वारा बिहार में हरेक जिलों में लगातार कार्यक्रम कर लोगों को अपनी पार्टी में सदस्य बनाए ताकि विधानसभा चुनाव में राजद मजबूती से रहे। परबलपुर प्रखंड के चौसन पंचायत के ग्राम गांधीनगर में हम लोग सदस्यता अभियान का शुरुआत किए जिसमें हमारे चौसंडा पंचायत की सैकड़ों लोगों ने यहाँ पे उपस्थिति हुए। नालंदा जिले में कार्यपालक सहायकों बहाल नहीं किए जाने को लेकर उसमें खासा आक्रोश देखा जा रहा है। कार्यपालक सहायक अभ्यर्थी द्वारा आज समरालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज किया। नवनीत कार्यपालक सहायक में है और पूरा पैनल हम लोग को तैयार है लेकिन नालंदा मजिस्ट्रेट की यानी नालंदा DM के माना तानाशाही के कारण हम लोग को 8 महीना से ज्वाइनिंग नहीं मिला, जबकि लेटर 10 जून को ही आ गया था कि सारे कार्यपालक सहायक को ज्वाइनिंग किया जाए। आज क्या हुआ? आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन कर रहे थे, इसके बावजूद भी कोई DM नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं मिलने तक भी नहीं आए और मुँह घुरा कर सब चले गए। मुहर्रम को लेकर रोहतास जिले में पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। डेयरी में SP संजय कुमार के नेतृत्व में शहर में विभिन्न मार्गों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों को सद्भावना पूर्वक वातावरण मुहर्रम मनाने की अपील की। मुहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु आज CRPF बल की वाटी पर जिला पुलिस के साथ SP अभियान एवं थाना के पदाधिकारी के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि आप निर्फिक्र होकर के अपना पर्व को मनाएं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और स्वच्छ वातावरण में मुहर्रम पर्व को मनाया जाए।